जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं पानी। यहाँ पर बैठे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मेरी पूजनीय माताजी श्रीमती अनुराधा कुमार, मेरी बेटियां अद्वैता आरोही, समस्त जितने बच्चे आए हैं स्कूल से, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, और जो बांसुरी की प्रस्तुति थी, देख के लग रहा था कि साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही खूब। आज का दिन एक बहुत ही अहम दिन है हमारे देश के लिए, और मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी, ज्यादातर आप सभी जानते होंगे कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा एवं सबसे डिटेल्ड संविधान है। जितना हमारे सभी फोरफादर्स ने मिलके दिमाग लगा के हमारे संविधान को बनाया है, दुनिया में किसी भी देश का इतना अच्छा संविधान नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इनफैक्ट जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तब भी संविधान पढ़ना तो खैर सिलेबस में भी था, मगर आज के दिन भी अगर कार्यस्थल पर कोई भी ऐसा निर्णय आता है जिसको लेने में कठिनाई होती है, तो जरूर संविधान को याद करती हूँ, अपने प्रियम्बर को याद करती हूँ, और जो दिशा हमारे देश को जिस दिशा में ले जाने का मंशा थी, उसको समझने का पूरा प्रयास करती हूँ। और बच्चों से भी मेरा ये कहना है, संविधान का बेर एक्ट जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ना, उससे आपको सारी चीज़ों, देश को किस दिशा में ले जाना है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी, एंड इवन अदरवाइज डिसीजन मेकिंग में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग आए हुए हैं। सीईओ सर की कमी है, सर के हाथों झंडा ध्वजारोहण होता तो बहुत अच्छा रहता, बट उसके लिए नेक्स्ट टाइम रहेगा। और डेफिनेटली जो पंक्तियाँ मैंने शुरुआत में कही, जो खून की बात करी और जो उबाल की बात करी, मैं समस्त जिनेडा के जितने यहाँ पे अधिकारीगण हैं, हमारे एसीओज हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत से लगे रहते हैं, और समस्त ओएसडीज, समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण से एक ही बात कहूँगी कि आप एक अथॉरिटी में हैं जो कि देश सेवा के लिए बनी है, और इसमें जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये देश सेवा का भाव मैं चाहती हूँ कि आपके हर काम में रहे। आप जिस पद पर हैं, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सही से निभाएं, अपने कंधों पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे समझें, क्योंकि जिस पद पर आप हैं, अगर आप फाइनली हमारा काम देखिए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से भी जुड़े हुए हैं, हम किसानों से भी जुड़े हुए हैं, हम हर तरह से पूरे ग्रेटर नोएडा की साफ सफाई हो, कुछ भी हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्य हो, कुछ भी, बहुत अहम जिम्मेदारियों का काम है। और मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि आप लोग के काम की प्रशंसा हर जगह होती है, मगर ये जरूर भाव मन में रखिए कि मेहनत और ईमानदारी, इन दो चीजों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जो भी निर्णय लें, जो भी कार्य करें, छोटी से छोटी फाइल हो, छोटा से छोटा कार्य हो, आप सभी की जिम्मेदारियां अहम है, और आप हमेशा सबसे पहले देश को रखें, ये मेरी आप सबसे विनती होगी। और इसी के साथ साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर्स में आके आज की ठंड को देखने के बावजूद बहुत आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, इसी उत्साह को बरकरार रखा जाए, काम में भी रखा जाए, और यही अनुरोध करूंगी मैं कि मेहनत और ईमानदारी, मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ इसको, ये दो चीजें अगर इन दो राह पे चलेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि ओएसडी साहब ने कहा, नारी शक्ति की बात कही, वाकई में अथॉरिटी में फाउंड के बहुत सारी महिलाएं हैं और अच्छे से कार्य कर रही हैं। इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगी, अपने घर के बेटियों को जरूर पढ़ाएं और समानता रखें एक बेटा और बेटी में, क्योंकि जब तक आप अपने घर से नहीं शुरुआत करेंगे, आप देश को नहीं बदल सकते। ये हर चीज पे लागू होता है, चाहे कोई भी काम अगर आप देश तक उतारना चाहते हैं, पहले आप घर से शुरुआत करें, फिर अपने जिले, प्रदेश, देश,
जो चाहे आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी मैं, आप सभी का धन्यवाद कहती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के दिवस की, और आगे की राह अपने मन में जरूर क्लियर रखिएगा और मेहनत से काम करिएगा। धन्यवाद।